लेज़ली वैसे तो संगीतकार है, लेकिन आप उसे जादूगर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में कचरा पैदा ही नहीं होता। आइए देखें लेज़ली और मयूरी के घर से कचरा आखिर छुमंतर कैसे हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये कूड़ा है, कचरा है, तो कहीं फेंकना पड़ता है और पहाड़ बनाते हैं उसका। लेकिन अगर हम हर हर घर में इस तरह से कुछ कंपोस्ट बनाएंगे तो ये एक रिसोर्स बन गया है। हर दो तीन दिन में जब जब कचरा मिक्स करेंगे इसमें, मतलब फूड वेस्ट जब डालते हैं, तब 15-20 मिनट्स का काम रहता है। इट्स लाइक खाना बनाने के लिए 10 मिनट चाहिए, तो खाने के वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए 5-10 मिनट चाहिए। यहाँ हम पेपर वेस्ट, पैकेजिंग वगैरह सब डालते हैं और दूसरा डब्बा में सिर्फ कंपोस्ट, जैसे केले के छिलके, सब्जी काटते हैं तो जो वेस्ट होता है इसमें जाएगा और फूड वेस्ट भी इसमें जाएगा। हमेशा ढक्का रख देते हैं, नहीं तो मक्खियाँ आ जाएंगी। हवा की आवश्यकता बहुत है, इसलिए इस पे बहुत छेद दिए गए हैं। थोड़ा गीला कचरा इस बिन में डालिए। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सेमी कंपोस्टेड पदार्थ को मिलाइए। थोड़े सूखे पत्ते डालिए ताकि डीकंपोजिशन अच्छी तरह से शुरू हो सके। अब बचा हुआ कचरा भी मिलाइए। बिन में और सेमी कंपोस्टेड पदार्थ डालिए। एक बार और सूखे पत्ते डालकर मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाइए। अब थोड़ा और कंपोस्टेड पदार्थ छिड़किए और बस हो गया आपके घर के कचरे से कंपोस्ट तैयार। जो फाइनल है हम लोगों को देते हैं, जो यूज कर सकते हैं। गार्डन में थोड़ा बहुत यूज हो जाता है यहाँ। टमाटर, एलोवेरा, अजवाइन, तुलसी, श्रीलंकन पालक, ये सब कंपोस्ट नाम के इस काले सोने का नतीजा है। तो देखा आपने लेज़ली और मयूरी का जादुई तरीका।